हरियाणा में 30 और 31 मार्च को प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद रखने के फैसले को पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन ने डीलरों का कमीशन न बढ़ाने पर दो दिन 30-31 मार्च को पंप बंद रखने की कॉल की थी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान संजीव चौधरी ने कहा कि शुक्रवार को पानीपत के सेक्टर 25 में एसोसिएशन की मीटिंग हुई। इसमें पंजाब की एसोसिएशन भी शामिल हुई, जिसके अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह दुआबा हैं। यह मीटिंग दोनों प्रदेशों के हितों के लिए बुलाई गई थी। हमने 30-31 मार्च की हड़ताल का आह्वान किया था। उनकी कॉल के बाद तेल मंत्रालय ने 28 मार्च को तत्काल मीटिंग बुलाई। हमारी मांगों पर उन्होंने विचार किया। उन्होंने माना कि आगामी सरकार के गठन तक अभी यह संभावित नहीं है। 15 जून तक कमीशन बढ़ाने का उन्होंने टाइम मांगा है। हम फिर भी 15 अगस्त तक का टाइम तेल मंत्रालय को देते हैं। इसके बाद भी अगर कमीशन नहीं बढ़ाया गया तो वह हड़ताल करेंगे। संजीव चौधरी ने बताया कि बीते 7 सालों से सरकारी तेल एजेंसियों द्वारा पंप डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया। इसको लेकर सभी पेट्रोल पंप डीलरों में गहरा रोष है। कमीशन में बढ़ोतरी करने के लिए कई बार सरकारी एजेंसियों से बातचीत का दौर भी चलाया, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। एक अरसे से सभी पेट्रोल पंप डीलर सरकारी एजेंसियों से तेल कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। जब पेट्रोल करीब 65 रुपये था, तब से 2 रुपये प्रति लीटर डीजल और 3 रुपये पेट्रोल पर कमीशन दिया जा रहा है। अब तेल करीब 100 रुपये के आसपास है, पर कमीशन नहीं बढ़ाया गया। देखिए, आज पानीपत में सेक्टर 25 में जिमखाना क्लब में हमारी हरियाणा प्रदेश की PDWA एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे साथ इस मीटिंग में पंजाब की भी PPDA की एक एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह दुआबा हैं। उन्होंने भी हमारे साथ इस मीटिंग में हिस्सा लिया। ये दो प्रदेशों की एक सामूहिक डीलर हितों के लिए बुलाई गई मीटिंग थी, जिसमें 30 और 31 की हड़ताल जो हमने प्रदेश भर में आह्वान किया था, हमारी हड़ताल के आह्वान को बड़ी गंभीरता से लेते हुए तेल मंत्रालय ने कल 28 मार्च को एक अर्जेंट मीटिंग तेल मंत्रालय में बुलाई और हमारी मांगों पर बेहतरीन तरीके से विचार करते हुए आगामी सरकार के गठन तक, चूंकि आचार संहिता लग चुकी है और अब ये चीज़ संभावित भी नहीं है, तकनीकी तौर पर आप पत्रकार भाई भी जानते हैं, तो इस मुद्दे को देखते हुए 15 जून तक का उन्होंने टाइम मांगा है कि हम कमीशन बढ़ा देंगे। फिर भी हम 2 महीने आगे तक का टाइम, 15 अगस्त तक का टाइम तेल मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों को देते हुए अपनी 30 और 31 तारीख की हड़ताल को, हरियाणा बंद को डेफर करते हैं। अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, डीलर कमीशन बढ़ाकर नहीं दिया गया, तो 15 अगस्त से निश्चित रूप से न केवल हरियाणा, पंजाब अपितु पूरे देश में हड़ताल का बिगुल बजा दिया जाएगा। हमारे प्रतिनिधि के तौर पर परमजीत सिंह दोआबा जी, जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, हमारी दोनों एसोसिएशन की सहमति से हमने उनको प्रतिनिधि नियुक्त करके वहाँ भेजा था। कुछ ऐसी भी एसोसिएशन है जो आपका समर्थन नहीं कर रही? देखिए, हरियाणा प्रदेश में एक और एसोसिएशन है जो इंडियन ऑयल के अधिकारियों के अधीन, उनके दलाली के रूप में और प्रदेश में काली भेड़ के रूप में काम कर रही है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि भगवान राम भी लंका पर तब तक विजय नहीं कर पाए थे जब तक उनको विभीषण नहीं मिला था। वे ये विभीषण और जयचंद टाइप के लोग हमारी हड़ताल को तार पीड़ो करने का काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के डीलर इनकी औकात को पहचानते हैं और ये जानते हैं कि ये जयचंद हैं, इसलिए इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। जी, धन्यवाद।